देख बाबू भैया माता बहन, हमार घर कहाँ? अमरपुर शहर। पिताजी के नाम राजा अमर सिंह, माता के नाम रानी सुशीला, लेकिन ओकरे कोख से जन्म ले एक लड़की। माता जी सोयरी घर में नाम रखलक सती अंबिका। हमार ससुराल छ राजमघर में, लेकिन जहिया से राजमघर में अलग हमरा कोख से दो पुत्र जन्म लेलक। बड़ा पुत्र के नाम है शिव और छोटा के नाम है कंचन। लेकिन दरबार में महाराज बोलो नहीं, पहले मंत्री साहब को बुलाबे छी। मंत्री साहब, महारानी जी, बहुत कहो साहेबंदगी। साहेबंदगी हम तो चलिए साहेबंदगी मिस कॉल के ला मारे चलिए। देखियो यू हम किया मिस कॉल मार में। अच्छा नंबर आ गया मिस कॉल मार दे रसलपुर वाला सा। पर हमरे नंबर छला केकर छला अंतिम में दोटा नौ छला छले ना तो नंबर हमरे हां छले मिलकर कहले फोन करे चलिए। बोलो कथि बोल कथिला फोन केने रहिए। ए जे अपना मन से मिस कॉल देले छलु आने महाराज के ऑर्डर से मिस कॉल देल चलो या महाराज के ऑर्डर से जिर क्या महाराज के मोबाइल में पैसा नहीं चला। नहीं ओकरा मोबाइल में पैसा भरा गेल चले आ ओकर तो नोकिया कंपनी के हमर के चोखिया कंपनी के हम एक बेर 1500 का कूपन धोखा देली। एक नंबर का बेवकूफ है तू। महारानी जी मुझे और कुछ कह लीजिए मगर मुझे बेवकूफ नहीं कही। 1500 का कूपन आता है। एक नंबर का बेवकूफ है। महारानी जी मैं बेवकूफ नहीं हूँ और सब बेवकूफ को मैं जानता हूँ। बेवकूफ 13 प्रकार के होते हैं। 13 प्रकार के बेवकूफ होता जी। है जी। कौन कौन होता है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ मत समझना। बेवकूफ 13 प्रकार के होते हैं, मैं डिटेल करके बताता हूँ। श्याम भैया कौन कौन बेवकूफ होते हैं बताओ तो। बेवकूफ नंबर ये जो किसी पर बात दिया। अच्छा एक नंबर का बेवकूफ किसी पे बात फेंक देता है। हाँ वो हमेशा दूसरे पर बात फेंकता रहता है। वो एक नंबर का बेवकूफ है। बेवकूफ नंबर दू कोई बात में चकता कहेगा धू। किसी बात में धू कहेगा वो दो नंबर का बेवकूफ है जी। मिलकर बेवकूफ नंबर तीन कोई बोलता रहेगा उसका बात लेगा छीन। दूसरे का बात छीन लेता है वो तीन नंबर का बेवकूफ है। तीन नंबर का बेवकूफ नंबर चार हर बार में किछो बोल देगा बात को नहीं करेगा भी। जो विचार के नहीं बोलते हैं वो चार नंबर का बेवकूफ। बेवकूफ नंबर पांच हर दम झूठ बोलेगा वो कभी ना बोलेगा सात। जो हमेशा झूठ बोलता है वो पांच नंबर का बेवकूफ है। बेवकूफ नंबर छह गहूं में मिला के बुने जो
अच्छा जो चीठ लेके पास होता है वो 12 नंबर का बेवकूफ है। महारानी जी बेवकूफ नंबर 13 ये लास्ट बेवकूफ है और सबसे खतरनाक। ठीक है मैं बहुत दुखी हूँ। बेवकूफ नंबर 13 महारानी जी क्या करता है? बेवकूफ नंबर 13 रात भर कबीर लीला देखा और जहतर पहतर छेर। तू कौन सा बेवकूफ है? मैं 13 नंबर छोड़ के और सब में से थोड़ा थोड़ा मैं भी हूँ महारानी। 13 नंबर के छोड़ के सब में से है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए मैं तुझे बेवकूफ कहती हूँ। महारानी जी मैंने फोन इसलिए किया है कि महाराज का सवारी आ रहा है, वो घोड़ा में आ रहा है इसलिए थोड़ा लेट है। मैं पैदल हूँ इसलिए जल्दी आ गया हूँ। महाराज घोड़ा में है तो लेट है, अब तू पैदल है तो जल्दी आ। वो दूसरा के भरोसे घोड़ा के भरोसे, हम तो पैदले है। अच्छा आने दीजिए। समझ के बैठ गया जंगे पर। बोल। महाराज मैं उधर घोड़ा की ओर देख रहा था, मुझे लगा खुरासी है। नहीं, खुरासी बोलता है, कुर्सी बोलना चाहिए तो कुरासी बोलता है। क्या कुर्थी? हराम चौधरी कुर्थी बोलता है। देखो हमारा बोलने का तबीयत नहीं है। हमको हिंदी नेपाली से अच्छा इंग्लिश से लगता है। बोल इंग्लिश। चेयर में बैठ जाइए। सावधान, महाराज का सवारी आ चुका है, जो सोया है उसके पास। हे गुरुदेव, आए हमर स्वामीनाथ हमरा भवन में आले छी, तो हमर कर्तव्य छी कि पहले उनका चरण में बंदगी करी, फिर उनका से कुशल समाचार पूछी।